आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं मेट्रो हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, दरभंगा की शान आनंद भोग आटा। दरभंगा की बहेरी में बस पलटने से 4 लोगों की जहां घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, वहीं 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल को बचाने के क्रम में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बिहार के दरभंगा जिले अंतर्गत बहेरी थाना के शंकर लोहार चौक के पास अचानक एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में यात्री बस के चालक ने अपना संतुलन खो दिया, जिसके बाद बस सड़क से पलटी खाते हुए गड्ढे में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत घटना स्थल पर हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई। बस दरभंगा के सुपौल से बहेरी आ रही थी, तभी यह घटना हो गई। तत्काल घटना स्थल पर स्थानीय लोगों ने अपने तरफ से बस में फंसे घायल यात्री को बाहर निकाला, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल को इलाज के लिए एक दूसरी बस में लादकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। घायल में अभी भी कई लोगों की हालत चिंताजनक बताई हुई गई है। यहाँ से बस आ रही थी, कम से कम 50 की स्पीड में थी, तो आगे इधर से बाइक वाला आ रहा था आगे से। अब गाड़ी की टायर पंचर हुई या बाइक से टक्कर हुआ, ये हम नहीं देखे क्योंकि हम बस में बैठे हुए हैं। गाड़ी एक साइड पलटी मारी, पहले लेफ्ट साइड, फिर गाड़ी पलटी मार गई, छत उसका नीचे और चक्का ऊपर, फिर खेत में पलटी मार गई। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं? वहाँ क्या था स्थिति, कितने लोगों की मौत हुई? वहाँ तो 5 तो हम कहे, 4 तो वही स्पॉट है, कम से कम 15 लोग तो घायल थे वहाँ जिसको हम देखे, और 15-20-25 तो सुरक्षित निकला, माँ भगवती का नाम लेते हुए उसमें से निकला। मदद तुरंत पहुँची? हाँ, मदद पब्लिक सिटी जो मदद थी, प्रशासन भी कुछ देर के बाद बाहरी प्रशासन पहुँची है, ये सब हुआ है। उसके बाद अभी एम्बुलेंस भी वहाँ से, गवर्नमेंट वाली एम्बुलेंस भी, 2 एम्बुलेंस आई, उसमें सबको लेके पहले इस बस में लादा गया है। ये दुर्घटना बहेड़ी बहेड़ा सड़क पर हुई है, सुपौल से दरभंगा आ रही बस में 4 लोग की मृत्यु हो गई है, 1 दर्जन लोग का इलाज स्थानीय हॉस्पिटल बहेड़ी में चल रहा है, गंभीर रूप से घायल को DMCA पहुंचाया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची वहां पर और हॉस्पिटल को भी तैयार रहने का खबर किया गया, और पूरा विश्वास है कि इलाज के क्रम में जितने भी घायल लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। बस का नाम जय श्यामा माई है, जिसका गाड़ी नंबर BR07PA2521 है। मृतकों का नाम मोहम्मद मिंटू, पिता मोहम्मद एजू, लोहनी गांव निवासी है, तथा दूसरा मृतक मोहम्मद सफूर, पिता मोहम्मद सबीर, लोहनी गांव निवासी है। तीसरा मुकेश मंडल शंकर लोहार चौक का है। एक शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घायलों में सुखिया देवी हावी डी गांव निवासी, रामदाई देवी गांव एकनी घाट, इंद्रकला देवी गांव हावी डी, पलटी देवी गांव हावी डी, संजीव महतो गांव हावी डी, अमरजीत महतो गांव हावी डी, विंदेश्वर शाह चंदेश्वर शाह गांव अहदड़ी, रूना देवी गांव हावीडी, राम सेवक यादव गांव सिरे बिजुलिया, विनीता देवी गांव हावेडी की रहने वाली हैं। इन सभी का इलाज DMCH में चल रहा है। SDO ने बताया है कि मृतकों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और घायल को उच्चतम इलाज के बाद मुआवजा दिया जाएगा। जो भी तत्काल रिलीफ देना था उन लोगों को इमीडिएट हम लोग साइट पर जा करके जितने भी घायल लोग थे उनको वहां से निकलवा करके SDPO साहब भी आ गए थे, उनको लेकर के हम लोग PSC बहेरी में लेकर गए, और PSC बहेरी में उनका इलाज करवाने के बाद जो ज़्यादा रेफर केस था उन लोगों को रेफर केस को यहां 12 लोगों को यहां रेफर किया गया। 2 का स्पॉट डेथ हुआ था, उनके भी बॉडी को यहाँ DMCH में भेजा गया है, और ऐसे 8 लोग जो इंजर्ड थे उनको हम लोग बहेरी PSC में उनका इलाज चल रहा है, बेहतर इलाज चल रहा है, और 12 यहाँ पर रेफर हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें से अभी तक जानकारी हुई है कि 4 लोग की मृत्यु हो गई है। इसमें से सभी लोगों को हम लोग आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, एक मोहम्मद मिंटू हैं बिरौल के, और एक मोहम्मद सकूर हैं वो बिरौल के हैं, और एक महेश मंडल हैं जो बहेरी के ही हैं। तो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और तत्काल जो पहचान किए गए हैं महेश मंडल, उनकी पत्नी को
4 लाख का चेक अंचल अधिकारी लेकर के गए हैं, अभी जस्ट उनको दिया जाएगा। और ये जो और भी जो मृतक हैं इन लोगों को भी हम लोग चिन्हित करवा करके जहाँ से भी हो रहे हैं जहाँ जहाँ के क्षेत्र के हैं उनके सीओ से बात करके उनको 4 लाख का चेक दिया जाएगा। जिला वनाधिकारी महोदय द्वारा भी बार बार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि बेहतर इलाज है वो सभी करवाया जाए और जो भी सुविधा वगैरह है इलाज के बाद उनको दिया जाए ताकि किसी को भी कोई प्रकार की समस्या ना। घायल को भी सर आर्थिक मदद करें उसके लिए हम लोग अभी लिस्टिंग वगैरह कर रहे हैं जो हम लोगों का प्रावधान होगा उसके करेंगे। पहले हम लोग भी इलाज पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, सभी टीम वगैरह यहाँ पर हैं और इलाज बेहतर हो रहा है। ठीक है, हमारे डॉक्टर सभी लगे हुए हैं और अब हमारे यहाँ 12 केस आया है जो इंजर्ड है और 4 ठो तो डेथ कर चुका है और उनका इलाज जो है सो माने कि जितना यहाँ से दवा और जितना सर्जरी या ये सब 6 ठो को जो है सो फ्रैक्चर था उसका सब काम हो चुका है, ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे डॉक्टर, सब डॉक्टर बैठे हुए हैं और एक COT में सीरियस है, उसमें 12 में से एक सीरियस और हैं, 4 ठो और सभी का इलाज चल रहा है। आप देखिए हमारे सभी डॉक्टर और हमारे सभी कर्मी लगे हुए हैं। जयनगर में अवर निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद रंजन और जयनगर के वासियों के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज के साप्ताहिक स्वच्छता अभियान में कार्यकर्ताओं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर कैंपस को साफ किया गया। मधुबनी जिले के जयनगर के नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में यूनियन टोला के खादी भंडार पर भू माफिया द्वारा खरीदी बिक्री करने के प्रयास जारी है, जिसके संबंध में जयनगर SDO, SDP, DSP, BDO, CO, DM, थानाध्यक्ष आदि को लिखित आवेदन देकर खादी भंडार को भू माफिया से बचाने की मांग भाकपा ने की है। पटना के गर्दनी बाग में बिहार ग्राम रक्षा दल अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 90वां दिन भी गांधीवादी तरीके से मौनवध आंदोलन जारी रखा। दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद ने कहा कि भले ही आंदोलनकारी अपने मनोबल से डटे हुए हैं, लेकिन यहां मान अधिकार एवं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। लोकतंत्र कमजोर होगा तो देश भी कमजोर होगा। वर्तमान परिस्थिति में लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद युवा मंच के स्वयं सेवक पिछले 7 सप्ताह से हराही तालाब को श्रम दान दे रहे हैं। स्थानीय तालाब की सफाई में जुटे स्वामी विवेका युवा मंच के कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राओं व महिलाओं ने आज एक बार फिर छुट्टी के दिन को सही प्रयोग कर समाज को स्वच्छ व सुंदर बनाने में किया। हमारा दरभंगा मिथिला की हृदय स्थली है और हम लोग चाहते हैं कि ये जो हृदय स्थली है साफ सुथरी रहे। अगर हृदय ही साफ नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि पूरी हमारी बॉडी जो है स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं, कोशिश में हैं कि ये जो युवा वर्ग लगे हुए हैं, स्वामी विवेकानंद युवा वर्ग जो लगे हुए हैं, इनके साथ हम गार्जियन तो होकर के इनका साथ दे रहे हैं कि नहीं, इनका उत्साह वर्धन हो और हमारी तरह और जो गार्जियन हैं वो भी इस चीज़ को देखें, क्योंकि और भी तो जाकर के देखें, दूसरे शहरों में जाकर के देखें कि उनका शहर क्यों इतना चमकता है और उनका उनके शहर के लोग क्यों इतने स्वस्थ हैं। आखिर दरभंगा शहर के लोग गंदगी पसंद क्यों करते हैं, या युवा वर्ग एक अलग कार्य करके सफाई अभियान चला करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, हम अपने जिस तरह से अपने घरों की सफाई करते हैं उसी तरह से ये जो स्थल है या जो हमारे बैठने उठने की जगह है, ये जो तालाब इतना बड़ा आप देख रहे हैं, दरभंगा का मुख्य तालाब के रूप में ही आता है, तो युवा वर्ग का कहना है कि अगर हम इस तालाब की साफ सुथरा करेंगे, यहाँ का जो स्वच्छ वातावरण हो वो घरों में जाएगा और तो कहीं ना कहीं एक अलग मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं युवा वर्ग स्वस्थ और सुंदर रखने का प्रण जो इन लोगों ने लिया है वह इन लोगों का प्रण पूरा होगा। और लगातार आज 7वां सप्ताह है, ये लोग लगे हुए हैं सफाई में और हम लोग भी इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों की उत्साह वर्धन में। दरभंगा जिले के दरभंगा स्टेशन स्थित हराही तालाब के पास नाले के कचरे में पड़ा नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्वामी विवेकानंद युवा मंच के स्वयं सेवक पिछले 7 सप्ताह से दरभंगा स्टेशन के सामने स्थित हराही पोखर की सफाई कार्यक्रम में चला रहे थे। इसी क्रम में आज भी इन लोगों के द्वारा तालाब घाट की सफाई अभियान चल रहा था। इसी दौरान एक कार्यकर्ता की नजर कचरे के ढेर पर
एक नवजात बच्ची का शव दिखा, जिसके बाद यह बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। दरअसल ये तस्वीर हर आने जाने वाले को विचलित कर रही थी, क्योंकि इस नवजात को बेटी होने की सजा मिली या तो साजिश का शिकार हो गई। ये बेटियों के प्रति लोग कहते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, किंतु जब होती है ना तो उसके बाद इस तरह से फेंक दिया जाता है, ये तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। और यहाँ के लोगों ने भी देखा कि लोगों की मानसिकता बदलने वाली नहीं है। यह जो कलेजा होता है ना किसी माँ का, कैसे इतना कमजोर हो गया और कैसे उसने अपने आप को ये पत्थर बना करके इस तरह से अपनी बेटी को फेंका है, या फिर उसके घर के लोग कैसे थे जो बेटी को जन्म तो दिया मगर किंतु उसे रख नहीं सका, बेटी को एक कहते ना कबाड़े की तरह, एक कचरे की तरह उसको फेंक ला करके इस डस्टबिन के पास फेंक दिया। बड़े दुख होता है कि मैं तो कहती हूँ ये ऊपर वाले मानसिकता बदलो, अगर या तो बेटी मत दो और दो तो लोगों की मानसिकता बदल दो कि बेटियों के प्रति लोगों के मन में प्रेम और प्यार बरसे। मेरा हराही पोखर के किनारे हम खड़े हुए थे, इसी बीच जो है सफाई करने वाले कर्मचारी स्टाफ लोग जो है पब्लिक कर्मचारी स्टाफ ने स्वामी विवेकानंद का ही पब्लिक स्टाफ स्वामी विवेकानंद के बोले क्या कि सर ये देखिए यहाँ पे एक बच्ची जो भ्रूण हत्या करके फेंकी हुई है। तब हम लोग आए देखे, उसके बाद में बड़ी पदाधिकारी अपने बड़ा बाबू को सूचना दिए। बड़ा बाबू बोले का ठीक है, हम वहाँ जो है कार्रवाई करने के लिए जारी कर रहे हैं। दरभंगा शहर के हसन चौक निकट दुर्गा मंदिर ग्रुप हेल्थ क्लब व हर्बल लैब के संयुक्त तत्वाधार में निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं सलाह शिविर लगाए गए। शिविर के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाई गई तथा बताया गया कि कैसे रोज की भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा समय स्वास्थ्य के लिए भी निकाला जाए। मानते हैं आप एक्सरसाइज के साथ ये जरूरी है? एक्सरसाइज के साथ साथ ये दोनों बहुत जरूरी है। क्या नाम हुआ? कौशल्या मंडल। क्या हैं आप? और आगे भी हम करेंगे और अपने स्वस्थ रहेंगे, अपने जीवन का जो है हम एक रोज भोजन नहीं कम करेंगे लेकिन वर्कआउट निश्चित करेंगे और इनके देख रेख में हम अपना आगे का स्थिति को संतोषजनक देते हैं कि जो भारत में हम लोगों के लिए स्वास्थ्य पे और स्वच्छता पे विशेष ध्यान देते हैं वो, यही मेरा मैसेज है। और हर्बल लाइफ क्योंकि हमारा देश आयुर्वेदिक आचार्यों का देश है और न्यूट्रिशन का देश है। यहाँ हम लोग एक्सरसाइज हम लोगों के जमाने से हम लोगों के ये चलता चला आ रहा है, तो हम लोगों के ये एक मैसेज जाता है कि स्वस्थ जीवन बहुत जरूरी है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की बैठक जिला अध्यक्ष कन्हैया दास की अध्यक्षता में कर्पूरी चौक लहरिया सराय में हुई। बैठक में दरभंगा व लहरिया सराय नगर के विभिन्न जगहों से फुटपाथ विक्रेता ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में महानगर अध्यक्ष सह प्रधान महासचिव कारीगामी ने कहा कि नगर निगम प्रशासन उदासीन रवैया अपना रही है। अभी तक फुटपाथ दुकानदारों को पूर्ण रूप से न पहचान पत्र निर्गत किया गया है, न ही यहां के जनप्रतिनिधि व नगर निगम के आयुक्त कोई विकल्प तलाश रहे हैं, जो कि पूर्ण फुटपाथ दुकानदार जो सड़क किनारे दुकान चला कर अपना परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा चल रही योजना का लाभ देने का काम नहीं कर रही है। दिया गया था अभियान जो कि मेजर में जो फुटपाथ वाले को जो जितना गुजार गुजार की जहाँ तक समस्या था। सीटीवी मिथिला के पूरे टीम के साथ मैं सुनील भारती विदा लेता हूँ, नमस्कार। वो सब का ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न।